वैसे तो हम सभी ने ऐसी फिक्शन बेस्ड मूवीज़ ज़रूर देखी होंगी जिसमें लोग किसी इन्फेक्शन की वजह से ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करके उन्हें भी ज़ॉम्बीज़ बना देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा एक फेनोमेना रियल वर्ल्ड में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है तो आज हम बात करेंगे ज़ॉम्बी फंगस के बारे में, ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस। ये एक तरह की फंगस है जिसे कॉमनली ज़ॉम्बी फंगस के नाम से जाना जाता है और मेनली पाई जाती है ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वाली जगह पे, जैसे कि ब्राज़ील, अफ्रीका और थाईलैंड। ये ज़ॉम्बी फंगस स्पेसिफिकली एंट्स को इन्फेक्ट करती है। ये फंगस एंट्स को इन्फेक्ट करके उनकी बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने लगती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड एंट एक अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये फंगस उस एंट को कंट्रोल करके उसे कंपेल करती है कि वो अपनी कॉलोनी छोड़कर आसपास के प्लांट्स के ऊपर क्लाइम करे और एक ऐसी जगह जाए जहाँ उस फंगस को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम कंडीशंस मिल सकें। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये जगह ज़मीन से तकरीबन 25 सेंटीमीटर ऊपर होती है और यहाँ पहुंचकर ये एंट अपने मजबूत मैंडिबल से लीफ की वेन या प्लांट के किसी पार्ट को कसकर पकड़ लेती है ताकि वो वहाँ से नीचे ना गिरे, और ये सारे काम उस एंट से कराती है ज़ॉम्बी फंगस। इन्फेक्टेड एंट इसी पोजीशन में मर जाती है और फंगस एंट के अंदर से न्यूट्रिशन लेके उसके सर से बाहर की तरफ ग्रो करने लगती है, जिसमें तकरीबन 3 हफ्तों का समय लग जाता है। पूरी तरह से ग्रो होने के बाद फंगस के टिप से कई सारे स्पोर्स रिलीज होते हैं, जिससे बाकी की एंट्स इन्फेक्शन के एक सीरियस रिस्क पे आ जाती हैं और ये साइकिल यूं ही चलती रहती है। आज के समय में दोस्तों, जब दुनिया के सामने नए इन्फेक्शन और डिसीज़ आ रही हैं, क्या होगा अगर ऐसा ही कोई ज़ॉम्बी फंगस या ज़ॉम्बी वायरस ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर दे? आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।